तो नमस्कार आदाब दोस्तों, यहाँ बताई गई हर कहानी एक सच्ची घटना है। क्राइम के हिंसक नेचर की वजह से ये सलाह दी जाती है आप सबको कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इन्हें ना सुने। इन स्टोरीज में मर्डर, असोल्ट, डोमेस्टिक वॉयलेंस, मौत से जुड़ी सच्ची घटनाएं सुनाई जाती है। इसलिए आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो इस वीडियो को स्किप कर दे यहीं पर, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम सबको शुरू से ही डायनासोर, येति, मैमोथ, आदिमानव, इन सब की बातें फैसिनेट करती आई है, नहीं क्या? चाहे वो किंग कॉन्ग मूवी हो या ऐसी कोई और मूवी ले लें, द मम्मी हो गई, हम सब ने कहीं ना कहीं ये चाहा है कि हम उस दौर में जा सकें, उस दौर को जी सकें। इसी बीच हमने आदिमानव के बारे में भी कई बातें सुनी, उनके ऊपर वीडियोज़ देखे हैं और हम ये मानते आए हैं कि वो ही सबसे पहले इंसान थे जिन्हें हम होमो सेपियंस भी कहते हैं। धीरे धीरे ये होमो सेपियंस इवोल्व हुए, सिविलाइज्ड हुए और नतीजतन हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हर एक फील्ड में हम दूसरी प्रजातियों से कहीं आगे हैं। जब बात आज के वक्त की आती है तो हम अभी भी यही सोचते हैं कि काश हम उस वक्त में एक बार झांक कर देख पाते जहां से सब शुरू हुआ, और तब से हम नामीबिया, नाइजीरिया, इंडिया, अमेजोन, ऑस्ट्रेलिया और इनके जैसे कई देशों के ट्राइबल्स के लाइफ को नज़दीक से ऑब्जर्व करने लगे हैं ताकि हम उस विंडो में झांक सकें। इंडिया में जब बात ट्राइबल्स की आती है तो इंडिया में कई तरह के ट्राइबल, कई तरह के आदिवासी मौजूद हैं, पर वहीं इंडिया में एक ऐसी आदिवासी प्रजाति भी मौजूद है जिस तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और जो पहुँचा वो जिंदा लौट कर नहीं आया। एक दो एक्सेप्शन है खैर इससे। तो दोस्तों, बात करते हैं इंडिया के अंडमान आइलैंड, अंडमान में पाए जाने वाले सेंटिनल आइलैंड की, जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि सबसे खूंखार, सबसे ज़्यादा गुस्सेल और सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा द्वीप जो हमेशा से ही एक राज बना हुआ रहा। कई लोगों ने वहाँ जाने की, वहाँ के लोगों से बात करने की, उनसे रूबरू होने की कोशिश की, पर ये सब नाकाम रहा। कहा जाता है कि ये लोग यहाँ पर पिछले 60,000 साल से मौजूद हैं और तब से ही इन लोगों की कोई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई है। ये अब भी वैसे ही हैं जैसे ये तब थे। कहा जाता है कि इन लोगों ने अभी तक आग जलाना भी नहीं सीखा है और अपना पेट ये मछली और नारियल खाकर ही भरते हैं। पिछली बार ये आइलैंड तब चर्चा में आया था जब एक अमरीकी सिटीज़न ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठा। कहा जाता है कि ये अमरीकी वहाँ पर अपने धर्म क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने गया था। तो इसकी पूरी कहानी क्या है और सबसे पहले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को किसने विजिट किया? तो इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश राज में, जब इंडिया को इंग्लैंड ने कॉलोनाइज किया हुआ था। सबसे पहले ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची ने इस आइलैंड पर कुछ मूवमेंट देखी जब वो एक नाव के थ्रू वहाँ से होकर गुजर रहे थे। उसके बाद 1867 होमफ्रे नाम का एक अफसर आइलैंड पर गया और सुरक्षित वापस आया, पर वहाँ पर उसका सेंटिनलीज से कोई आमना सामना नहीं हुआ। इसके बाद भारतीय व्यापारियों का एक जहाज किसी पत्थर से टकरा कर टूट गया और क्रू मेंबर सहित सभी 106 लोग इस आइलैंड पर फंस गए, पर उन्हें भी रेस्क्यू करा लिया गया, उनको भी कोई हताहत नहीं हुई। तो अब दिक्कत कहाँ से हुई जिससे लोग इतने हिंसक बने, इतने गुस्सेल, इतने एक सरकारी अफसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन, जनवरी 1880 की बात है, ये आइलैंड पर पहुंचता है। इन्हें वहां पर कुछ रास्ते में छोटी मोटी झुग्गियां और कुछ रास्ते बने हुए दिखाई देते हैं। 6 दिन बाद ये लोग 6 लोगों को पकड़ते हैं जिनमें से 2 उम्रदराज पति पत्नी थे और 4 बच्चे थे, और इनको किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। पर यहाँ लाने के बाद कुछ अजीब सा होता है, इनकी तबीयत खराब होने लगती है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, बट एक बात है जिस पर लगभग हम सभी एग्री कर सकते हैं, वो ये कि ये लोग अभी तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आए थे, और तो हो सकता है कि इनका इम्यून सिस्टम, इनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता इतनी नहीं हो कि बाहरी लोगों के संपर्क में आने पर ये खुद को सर्वाइव कर सके। तो नतीजतन बूढ़ी औरत और आदमी दोनों मारे गए, और बच्चे जो 4 छोटे बच्चे थे उनको वापस इसी आइलैंड पर छोड़ दिया गया, और इस तरह पहली बार किसी बाहरी इंसान ने इनकी ज़िंदगी में दखल दिया। अब भारत की आज़ादी के बाद
कई बार इन लोगों से संपर्क बिठाने की कोशिश भी की गई, पर सारी कोशिशें नाकाम रही। पहली बार किसी को इस मामले में कामयाबी मिली वो थे त्रिलोकनाथ पंडित, और इन्होंने 1991 जनवरी 4 को इनसे बात करने में सफलता प्राप्त की। सेंटिनलीज ने 2004 में आया अर्थक्वेक और सुनामी का सामना किया। गवर्नमेंट ने दोनों आपदाओं के बाद हेलीकॉप्टर को ये पता करने को भेजा कि वहाँ सब कुछ ठीक तो है, कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। 2006 में दो मछुआरे गलती से मछली पकड़ते पकड़ते आइलैंड के काफ़ी नज़दीक चले गए और बदकिस्मती से वो दोनों सेंटिनलीज के हाथों मारे गए। अब बात है नवंबर 2018 की, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा। जॉन एलन चाउ, एक 26 साल का यूएस सिटीज़न, उसने सेंटिनलीज से संपर्क करने की कोशिश की, पर आइलैंड पर पहुंचते ही उसका तीरों और भालों से स्वागत किया गया और उसको मार डाला गया और लाश को फेंक दिया गया। जब उसकी खोज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम बनाई और हेलीकॉप्टर से उन्हें उस आइलैंड पर भेजा, तो हेलीकॉप्टर के ऊपर भी इन्होंने तीर चलाए और इसका पुरजोर विरोध किया। हार मानकर टीम को वापस आना पड़ा। सेंटिनलीज जब भी आसमान में नज़दीक से किसी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं तो वो इस पर तीर और भाले से हमला करते हैं। खैर, जब जॉन एलन चाउ मारा गया तो भारत सरकार ने 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने जॉन एलन को आइसलैंड पर भेजने में मदद की और कहीं ना कहीं यही लोग उसकी मौत के जिम्मेदार भी थे। उनमें से 3 को पुलिस कस्टडी में रखा गया जबकि 4 को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और इनके ऊपर केस चलाया गया। जॉन एलन के मरने के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा इसे एक शहीद के तौर पर अवार्ड दिए गए। कई लोगों ने जॉन एलन को नीरा मूर्ख भी कहा, तो कई लोगों ने उसे एक सच्चा जीसस का फॉलोअर कहा और उसको सर आंखों पर बिठाया। जॉन एलन के पिता के अनुसार क्रिश्चियनिटी उसके बेटे को ले डूबी। वो कहते हैं कि जॉन एक भोला भाला लड़का था जिसे बहलाना फुसलाना बहुत आसान था, और शायद इसीलिए वो इन लोगों की बातों में आ गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये कहानी हमें ये बताती है कि इंसान जब जब नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा उसे इसके गंभीर परिणाम तो भुगतने होंगे। हम एक तय समय के लिए इस धरती पर आए हैं, ये कोई हमारा परमानेंट घर नहीं है जिसे हम अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर रख दें। ज़रूरी है, और वक्त का तकाजा भी यही कहता है, कि जितना जल्दी हो इंसान अपनी हरकतों से बाज आए, चीज़ें अच्छे के लिए सुधरें तो बेहतर है। पर इस तरह की घटनाएं साफ दिखाती है कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो हमें बर्बादी की तरफ ही ले जाने वाली है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।